बाराबंकी में इंसाफ की उम्मीद टूटने से एक लड़की ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया। वो लड़की खुद वकील बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन कानून की कमजोरी उसकी जान की दुश्मन बन गई। बाराबंकी की उस लड़की का किस्सा इस रिपोर्ट से समझिए। एलएलबी की छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, फिर छात्रा ने फांसी के फंदे को लगाया गले। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई, छात्रा की मां का पुलिस पर आरोप, सेटिंग के चलते नहीं हुई दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी। एक तारीख 16 दिसंबर 2012 की थी जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई। उस हैवानियत को अंजाम देने वालों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन जो खबर बाराबंकी से आ रही है वो महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल दाग रहे हैं। एलएलबी की छात्रा कानून पढ़कर देश की सेवा करना चाहती थी, इंसाफ की देवी बनना चाहती थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। कानून की छात्रा का शव दुपट्टे से लिपटा पंखे पर लटका मिला। उसके बाद परिवार में कोहराम। वहीं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि मृतका के पिता ने पोस्टमार्टम से पहले एक लिखित तहरीर दी थी। उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और उन्हें किसी पर शक नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मृतका की मां ने तहरीर दी कि दुष्कर्म का आरोपी उनकी लड़की को परेशान कर रहा था, जिसके चलते उसने फांसी लगा ली। मृतका जो है उनकी मां द्वारा इसमें तहरीर में दी गई है कि उनका पूर्व में उन्होंने मुकदमा कोई लिखाया हुआ था 376 का, जिनके जो नेम्ड थे वो लोग उनको परेशान कर रहे थे। तो इसमें पूरे प्रकरण में हम लोग डिटेल से इसमें गए तो उसमें ये बात निकल के सामने आई कि सबसे पहले एक दो व्यक्ति हैं जिनको लेकर मृतका और उसकी मां के खिलाफ सबसे पहले उन्होंने 420 चीटिंग का मुकदमा इसमें दर्ज कराया था। इस मामले पर वकील का कहना है कि 2 सितंबर को छात्रा के साथ दो लड़कों ने दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा आरोपियों के साथ साठगांठ कर लड़की पर ही जालसाजी का आरोप लगा दिया और सुलह का दबाव बनाया। उसी दबाव के चलते लड़की ने सुसाइड कर लिया। इसको ले जाकर कहा चलिए हम उधर ही चलते हैं, आपको उधर ही छोड़ देंगे। फिर ये ले गए और नाके से ये हाईवे की तरफ मोड़ दिए। जब हाईवे पर मोड़ दिए तो इसने ऐतराज किया। जब ऐतराज किया तो वहीं पर कहीं ले जाकर इन्होंने अपना दोनों लोगों ने जबरन रिवॉल्वर वगैरह दिखा के गलत कार्य किया। मृतका की मां का कहना है कि आरोपियों के पुलिस में पहुंच के चलते पहले उनका केस दर्ज नहीं हुआ और बाद में कोर्ट के ऑर्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं करना है, कहना है हम पैसा नहीं दे दर्ज में। बहरहाल जब इंसाफ मिलने में देरी होती है, पुलिसिया तंत्र ही आरोपों के घेरे में घिर जाता है, तो कानून की बड़ाई करने वाला ही मौत को गले लगा लेता है। बाराबंकी से R9 TV के लिए सरफराज वारसी की रिपोर्ट।